अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। लव मेडिसिन एंड मिराकल एक किताब है जिसको लिखा है एमडी बर्न्स सीगल ने। इस किताब में ये बता रहे हैं कि किस तरह से विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करके ये कैंसर पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं। बहुत से कैंसर पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं, बहुत लोगों को बहुत फायदा भी मिल रहा है। तो क्या हम इस टेक्निक को यूज करके अपने ओबेसिटी पे काम कर सकते हैं? क्या ओबेसिटी कैंसर से बड़ा है कि वो ठीक नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और सिर्फ ओबेसिटी ही नहीं, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम इस टेक्निक के हेल्प से इम्प्रूव कर सकते हैं, और यही जानेंगे आज हम इस एपिसोड में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। कई बार लाइफ में ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसको हम पहले से इमेजिन कर रहे थे, पहले से उसके बारे में सोच रहे थे और पहले से उसकी पूरी तस्वीर अपने दिमाग में बना रहे थे। जैसे कि अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो बॉस मुझे ऐसे बोलेगा, और एक्चुअल में बॉस बिल्कुल वैसे ही बोलता है जैसे आपने सोचा था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जैसा सोचे थे, अगर आप कुछ और सोचते तो बॉस कुछ और बोलता, लेकिन कई बार ऐसा ही होता है कि आप जैसा सोचते हैं वो वैसा ही हो जाता है। मोस्टली वो चीजें रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं जिसमें सोचने की या आपके विजुअलाइजेशन की इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। नॉर्मली ये तब होता है जब हम कोई चीज बुरा सोच रहे होते हैं, तभी आप कई बार बोलते हुए अपने आप को पाएंगे, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। इसी को बोलते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका बिलीफ सिस्टम भरा हुआ है, आपका मेमोरीज भरी हुई हैं, आपके एक्सपीरियंसेस भरे हुए हैं, और जो भी आपके दिमाग में थॉट आता है वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ये पूरा भंडार है यहीं से आ रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड से थॉट निकल के आपके कॉन्शियस माइंड में आता है, और ये थॉट कुछ नहीं होते, एनर्जी होते हैं। जैसी एनर्जी आप रिलीज करते हैं वैसे ही रियलिटी में वो कन्वर्ट हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक कॉन्शियस माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड भंडार है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का, हमारे बिलीफ सिस्टम का, हमारी मेमोरीज का। तो जैसा हमने एक्सपीरियंस किया है, जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम है, जैसी हमारी मेमोरीज है, वैसी ही रियलिटी हम बनाते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट में, हमारे दिमाग में वही चीजें आती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें इसको कंट्रोल करना नहीं आता। इसीलिए हम लाइफ में बोलते हैं कि जो है जैसा है वो तो होना ही था, उसमें हमारा काम क्या है। बिल्कुल आपका रोल है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से। अभी तक जो टेक्निक आप यूज कर रहे थे वो सिर्फ विजुअलाइजेशन था, मतलब कि वो आपके कंट्रोल में नहीं था। जैसा आपने एक्सपीरियंस किया, जैसे आपकी मेमोरीज बिलीफ सिस्टम थी, वैसे आपका रियलिटी बनता चला गया। लेकिन अगर आपको रियलिटी चेंज करना है तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम, अपनी मेमोरीज, अपने एक्सपीरियंसेस को फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, और उसी क्रिएशन को हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बोलते हैं। अब आप अपना नया रियलिटी देखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, ओबेसिटी। ओबेसिटी आपके दिमाग में बार बार वॉर करके बोलता है कि मेरी ओबेसिटी नहीं जाएगी। जब भी आप कोई डाइट प्लान लेते हैं, आप पहले से ही इमेजिन कर रहे होते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। और इसी का नतीजा होता है कि आप डाइट प्लान से फेल हो जाते हैं, आप कुछ चीट कर लेते हैं, या आप इमिडिएटली बीच में छोड़ देते हैं। ये और कुछ नहीं, आपका अपना विजुअलाइजेशन है, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो पहले से बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि मुझसे नहीं होगा, वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में क्या करेंगे? आप अपने आप को बिना ओबेसिटी के देखेंगे, आप अपने आप को हेल्दी देखेंगे। जब आप अपने आप को हेल्दी देखेंगे तो आपका बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। जब आप अपने आप को हेल्दी विजुअलाइज कर रहे होंगे तभी मोटिवेशन बनेगा कि आप जंक फूड ना खाएं, आप वो चीजें ना खाएं जो आपके डाइट में मेंशन नहीं है। इसी को हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बोलते हैं। जब आप अपने आप को हेल्दी इमेजिन करते हैं तो आपका बिहेवियर, आपका एनर्जी लेवल, आपका वाइब्रेशन सब उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। सो दोस्तों, अगर आपको अपने करंट रियलिटी में चेंज लाना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, आपको कैसी रियलिटी चाहिए, आपको हेल्थ कैसा चाहिए, आपको फाइनेंसेस में क्या चाहिए, आपको रिलेशनशिप्स कैसे चाहिए। ये चीज साफ साफ आपके सामने लिखी होनी चाहिए, और यही टास्क है।
क्रिएटिव विजुलाइजेशन का मतलब है कि आप क्रिएट करें अपना फ्यूचर और फिर उसको विजुलाइज करें और इस इंटेंसिटी के साथ विजुलाइज करें जैसे वो सच में रियलिटी बन गया। वही इमोशंस जो उस रियलिटी को अचीव करने के बाद आप फील करेंगे अभी फील करें। तो सबसे पहला काम है कि सारे के सारे रियलिटी को जो आप चाहते हैं वो आप एक कॉपी पे साफ साफ लिख लीजिए। हेल्थ के मामले में आपको क्या चाहिए, अगर आपको कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड या ओबेसिटी है तो आप लिख लीजिए एक कॉपी पे कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे किसी भी तरह का कोई भी डिसऑर्डर या बीमारी नहीं है। फाइनेंसेस में अगर आपको चाहिए कि आपकी एक पर्टिकुलर इनकम हो वो आप साफ साफ शब्दों में एग्जैक्ट नंबर में लिख लीजिए कि आपको 2 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, आपको 4 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। रिलेशनशिप वाइज में अगर आपका किसी से रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा तो आप क्या चाहते हैं फ्यूचर में कि आज से 2 साल के बाद उससे कैसे रिलेशंस हो वो आप लिख लीजिए। जब आप साफ साफ लिखेंगे तो वैसे ही इमेज आपके दिमाग में बनेगी, वो इमेज विजुलाइजेशन होगी, वही इमेज थॉट होगी, वही थॉट एनर्जी होगी, वही एनर्जी फ्यूचर में चल के रियलिटी में कन्वर्ट होगी। और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इस पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप लिख के आपके बिलीव सिस्टम में आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि नहीं ये तो फेक है, ये तो सच नहीं होगा, तो फिर वही रियलिटी बनने वाला है कि आपने जो जो लिखा है वो सच नहीं होगा। आज की रियलिटी वही है जिस पे आप बिलीव करते थे, जिस पे आपका 100% बिलीव था कि ऐसा होगा वैसे ही हुआ है। तो जो आप लिख रहे हैं, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं फ्यूचर में, उसके ऊपर भी उतना ही विश्वास, उसी इंटेंसिटी से विश्वास होना चाहिए, तभी वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। जब उस पे विश्वास होगा जो आपने लिखा है तो फिर आपका बिहेवियर वैसे ही चेंज होगा। जब बिहेवियर चेंज होगा तो रिजल्ट चेंज होंगे, रिजल्ट चेंज होगा तो रियलिटी चेंज होगी। इसी सेंस में कहा जाता है कि जो लाइफ में हो रहा है वो सब आपके हाथ में है, कोई और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सब आपके खुद के हाथ में है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही लाइफ बनती चली है। तो दोस्तों, क्रिएटिव विजुलाइजेशन को आप यूज़ कर सकते हैं अपना फ्यूचर क्रिएट करने के लिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टास्क और एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।